समय तो परिवर्तनशील होता है ना, कि धर्म की नहीं रोजगार की बात करो। कब तक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भटकाते रहिएगा लोगों को? ये तो चाणक्य नीति है कि जब कोई देश का राजा से जनता हिसाब मांगे कि तुमने क्या किया, तो धर्म के नाम पे भटकाया जाता है। ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चल सकती है, लेकिन जनता मालिक होता है। जिस दिन वो जागेगा, उस दिन आपका कहाँ जगह मिलेगा ये नहीं सोचना है आपको। मिलेगा भाजपा में, दुकानें बंद हो जाएगा उनका। अच्छा, गिरिराज सिंह आज हिंदुत्व का नारा बंद कर देंगे, उनको कोई बाड़ों में नहीं पूछेगा। खाली हिंदुत्व की बात बंद कर दे तो उनको बाड़ों में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनका कर्म कहां रहा है गरीबों के लिए। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय में हूं। कार्यालय में हमारे साथ ही बिहार के कृषि मंत्री कुमार सरबजीत सर हैं। सर, जिस प्रकार से आज बैठक भी हो रही है और दिल्ली में लालू यादव जी भी गए हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकना है, क्या कहेंगे? लालू जी ने अगर कहा कि उखाड़ फेंकना है तो सबको पता है ना कि लालू जी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, और जब जब देश में विपत्तियां को घेरा है, जब कोई इस देश को कोई विपत्ति घेरा है, तो लालू जी ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। तो लालू जी ने कौन सा गलत चीज कह दिया? लालू जी नहीं कह रहे हैं, देश के करोड़ों लोग जो हैं, नौजवान साथी, वो कह रहे हैं कि धर्म की नहीं रोजगार की बात करो। तभी ना लालू जी के पुत्र हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 10 लाख नौकरी की घोषणा किया। तो युवाओं को क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद के झगड़ा चाहिए या नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए? तो राष्ट्रीय जनता दल तो शुरू से गरीब गुरबा की पार्टी रही है, इसलिए हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। और लालू जी ने देखा है अब देश की स्थिति को कि देश जो है दूसरी दिशा में जा रही है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने देश के नौजवानों से अपील किया कि एक समय आएगा जब आप पछताएंगे। देश की एकता को बचाए रखने के लिए अब समय आ गया है 2024 में कि अब नौजवानों को आगे आना होगा। अभी सर, 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए उसमें इंडिया या फिर कांग्रेस की कह लीजिए करारी हार भी हुई, और भाजपा ने 2 स्टेप आगे जो जातीय जनगणना बिहार में हुई उसका असर कहीं दिखने लगा है, उसको देखते हुए मोहन यादव को उन्होंने CM बना दिया, ST समाज से आने वाले विष्णु साई जी को बना दिया CM छत्तीसगढ़ में। तो लालू यादव जो सूत्रधार हैं, यादवों की संख्या सबसे अधिक आई है बिहार में, जो उत्तर भारत में यादवों का प्रभाव है उसको कम करने के लिए या फिर लालू जी के मुकाबले के तौर पे उन्होंने काट खोज लिया मोहन यादव जी ने, दलितों को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम आपको क्या दिखते हैं? हम भी तो कृषि मंत्री हैं, तो हम क्या हैं कि नहीं है? जी सर, यादवों में कितने मंत्री हैं बिहार सरकार में और कितने MLA हैं ना, पता आपको? ये सब थोड़ी होता है, काम की बात होनी चाहिए। हम तो पत्रकारों से भी अपील करते हैं कि कोई जातीय फातीय की चर्चा मत करिए कि किसने क्या बनाया, ये डिबेट कराइए कि किस सरकार ने देश के कितने युवाओं को रोजगार और नौकरियां दिया, इसकी डिबेट होनी चाहिए। कब तक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भटकाते रहिएगा लोगों को? रोजगार की बात हो, देश की तरक्की की बात हो, भाईचारे की बात हो, ऐसे देश चलता है ना, देश तो ऐसे ही चलता है। ये तो चाणक्य नीति है कि जब कोई देश का राजा से जनता हिसाब मांगे कि तुमने क्या किया, तो धर्म के नाम पे भटकाया जाता है। ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चल सकती है। 53 साल 57 साल कांग्रेस ने राज किया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो? और 10 साल के राज में कह रहे हो उसको उसने हरा दिया? 53 साल कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस राहुल जी का कौन ऐसा परिवार है जो देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया? भाजपा का कोई एक नेता देश में बता दो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, अगर है कोई तो बताइए। तो देश तो इतिहास से चलता है,
जो व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी देता है उस इतिहास को कोई मिटा सकता है क्या? क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख पाने के लिए जितना प्रोपेगेंडा उड़ाना है उड़ा सकते हो, लेकिन जनता मालिक होता है। जिस दिन वो जागेगा उस दिन आपका कहाँ जगह मिलेगा ये ना सोचना है आपको। सर 22 जनवरी को मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जी हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं बेगूसराय में, वो कैंप लगा रहे हैं और झटका का मांस नहीं खाना है, क्या खाना है नहीं खाना है, इस पे लगातार डिबेट चल रहा है। इस हिंदू मुस्लिम के काट से, इस हिंदू मुस्लिम का क्या काट है आप लोगों के पास में? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं जरा बता दो कि सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या सब लोगों को कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? किसी को नहीं है जरूरत, नहीं है ना? खेलेगी सर, आप कैसे बचाएंगे जनता? खेलने दीजिए ना, मथवा में चंदन के टीका लगावे से कोई हिंदू हो जाता है क्या? नहीं। धर्म के प्रति आस्था होता है ना, धर्म के प्रति आस्था होता है, और हमारा आस्था है। कुछ दिन पहले तक देश का पाठ पढ़ा रहे थे, भारत माता की जय बोली। हमने कहा कि हम माँ के पेट से जन्म जब लिए थे तो भारत माता की जय कहते ही वे लिए थे। हमको पाठ पढ़ाइएगा, कुर्बानी देने वाले को कोई पाठ पढ़ाता है क्या? तो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है देश की आज़ादी से लेकर के बिहार के गरीबों के उत्थान तक में, करने दीजिए। मैंने कहा ना, अच्छा गिरिराज सिंह आज हिंदुत्व का नारा बंद कर देंगे, उनको कोई बाड़ों में नहीं पूछेगा। हिंदू हृदय सम्राट हैं सर, कह तो रहे हैं। खाली हिंदुत्व की बात बंद कर दें तो उनको बाड़ों में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनका कर्म कहाँ रहा है गरीबों के लिए? कभी रहा है? वो जानते हैं कि हमारा कोई कर्म है नहीं, तो धर्म की प्रचार करोगे तभी ना हमको भाजपा वाले लोग पूछेंगे, ऐसे कोई पूछेगा? कोई कर्म रहेगा तभी ना पूछेगा लोग। अगर हम गरीब की सेवा करेंगे तभी ना प्रचार होता है कि ये गरीब का बड़ा सेवा करता है। अब उनको जगह ही नहीं मिलेगा भाजपा में, दुकानें बंद हो जाएगा उनका। एक बार मैंने कहा था ना आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कि अगर वो हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाओ, तब ना हम जानेंगे कि दलित भी हिंदू है कि नहीं, आप भी हिंदू हैं कि नहीं। जब साथ में खाना खाने का बतवा बोले तो भाग गए, कुछ बोलवे नहीं किए। तो एक तरफ हिंदू धर्म का भी नारा दोगे, एक तरफ अगड़ा पिछड़ा का भी नारा दोगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। चाहे दलित हो चाहे ऊंची जाति के लोग, सब हिंदू हैं, सबको एक साथ बैठना है, और देश के सारे मुसलमान हमारे भाई हैं। हम तो दाढ़ी वाला के साथ भी खाते हैं और टीकाधारी बाबा के साथ भी खाते हैं, तो हम लोगों से तो कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। एक सर और सवाल है, हुलास पांडे जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे लोजपा के, लोजपा आर के, वो फंस गए हैं, उनकी उनका नाम आया है ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में। चिराग जी लगातार कहते हैं कि हम सबसे स्वच्छ पार्टी हैं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फंस गए हैं, क्या कहेंगे? कोई वैसी पार्टी की चर्चा करते मेरे से तो, जो गरीबों की बात करता हो तो हमको जवाब भी देते। अभी सब पार्टी के बारे में चर्चा हमसे करके क्या करेंगे? पासवान समाज सर नेता मानता है चिराग को, कहता चिराग भैया को दिल पर पत्थर रख के लेकिन भटवा देंगे चिरागे भैया को। अभी ना आप बोले कि नरेंद्र मोदी ने जाधव का मुख्यमंत्री बना दिया तो नेता वही हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। नेता वही है जो सभी जाति धर्मों को पूजा करता हो, वो ना नेता हुआ। कोई जात का नेता बनने से कोई नेता कहलाता है क्या? ऐसा नहीं है। सभी जाति धर्मों से जो है प्रेम स्नेह रखिए, तब ना राजनीति करिएगा। एक आखिरी सर सवाल लेंगे, जितना विपक्षी से आपको लड़ना है उतना टीवी अखबार से भी लड़ना है, अभी से चला रहा है 24 में 400 पार, टीवी अखबार से कैसे निपटेंगे आप लोग? लगातार तो मैंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि भोज में शामिल हुए और ब्याह में शामिल हुए ये मत लिखो फेसबुक पे, ठीक है?
रियलिटी को लिखो कि सरकार कौन सा काम कर रही है युवाओं के लिए। लगातार जहां मेरे क्षेत्र में जिला में मीटिंग होती है तो मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं अपना कि भोज में शामिल हुए और शादी में शामिल हुए ये फेसबुक में लिखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तेजस्वी की क्या सोच है, उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए क्या सोचा है, क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, इसकी प्रचार प्रसार हम लोगों ने शुरू किया और करेंगे। अब टीवी अखबार से कोई उम्मीद नहीं है, वक्त बताता है, समय बताता है, समय तो परिवर्तनशील होता है ना। कल तक वही व्यक्ति सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सबके जो है कथा गाते थे, आज किसी और का कथा गाते हैं, तो ये चलता रहता है। इस सबसे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन पे काम करिए। तेजस्वी जी का क्या सपना है लोगों को बताइए, सब फेल हो जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ रवजीत पासवान जी थे, कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार के, और जो बातचीत हुई है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।